नमस्कार, मैं हूं राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। पाकिस्तान की एक लड़की को भारत के डॉक्टरों ने एक नई जिंदगी दी है। लड़की का नाम अफशीन गुल है, जिसकी गर्दन पिछले 13 साल से 90 डिग्री दाएं की ओर झुकी हुई थी। उसे अपनी सालों पुरानी तकलीफ से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब ऑपरेशन के जरिए उसकी गर्दन को सीधा कर दिया गया है। बचपन में अफशीन के साथ एक हादसा हो गया था, जिसके कारण उसे सालों से एक असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की इस बच्ची के ऊपर मानव किस्मत ने कम उम्र में ही मुसीबत का ऐसा पहाड़ डाल दिया, जिससे इस मासूम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफशीन की जिंदगी में ये मोड़ उस वक्त आया जब वो बोल नहीं पाती थी। दरअसल उसे तो इतनी भी समझ नहीं थी कि उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। बताते चलें कि अफशीन अपनी बहन की गोद से फिसल गई थी। नीचे गिरने पर उसके रोने की आवाज आई तो उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिसने उसे दवा दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका दर्द और बढ़ गया। सामान्य आर्थिक हालात वाले इस परिवार के पास बेटी का इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। अब 10वीं पास भी भारतीय नौसेना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो लोग अग्निवीर योजना के तहत भारतीय नौसेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने बारे में सभी डिटेल सही भरें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवार द्वारा कोई भी अपडेट या सुधार किया जा सकेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी सुधार नहीं हो सकेगा। अगर किसी की भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन भरने के लिए उम्मीदवार कॉमन सर्विस सेंटर से 60 रुपए तक की फीस देकर अपलोड करवाया जा सकता है। पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 है। हाल ही में ISC 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें लखनऊ की एक छात्रा ने 97.7% अंक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हैरत की बात इसलिए है क्योंकि ये छात्रा कैंसर से जूझ रही है और इलाज के दौरान उन्होंने ये परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहने वाली 17 साल की प्रमिता तिवारी ने ISC बोर्ड से 12वीं कक्षा में 97.7% अंक हासिल किए हैं। इस बार बहुत से छात्र छात्राओं ने अपने परचम लहराया है, लेकिन खास बात यह है कि प्रमिता के लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल प्रमिता को एक्यूट माइनर ल्यूकीमिया है, ये एक तरह का कैंसर है। पिछले साल अगस्त में उनकी बीमारी डिक्टेट हुई और इसके बाद मानो उनकी जिंदगी ही रुक गई। सबको यही लगा कि अब क्या कैसे होगा, लेकिन अपने परिवार के साथ से प्रमिता ने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया बल्कि उनका इलाज भी अब ठीक तरह से चल रहा है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।